तुम रोज ही ऑमलेट ही खाते हो, आज कौन सा बड़ा दिन है? वो छोड़ो, आपको पता है एमी आई थी? एमी कौन है? एमी? अरे सहरा खाला की बेटी, अपनी एमी। इतनी प्यारी। तुम तो हर लड़की पे आशिक हो जाते हो। बचपन में काफी सावली और लड़ाका थी वो। क्या बातें बना रहे हो बेटे, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? नहीं जा रहा हूँ, खा तो लेने दे। तुम्हें वक्त का अंदाजा है ना किसी चीज का, जाओ जल्दी। जाता हूँ। अम्मी चाय देती हूँ। फरीद, बेटे वो पैसों का इंतजाम हुआ बेटे? सॉरी अम्मी, मेरे पास तो इतने भी नहीं कि आज आप डॉक्टर की फीस दे सके। मैंने पूछा पैसों का इंतजाम हुआ? सॉरी अम्मी। आइए बैठिए, नाश्ता करिए। शकीला, कोई आया था? कौन आया? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आया था? मुझे कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं, वो टीवी चल रहा होगा ना, उसकी आवाजें थी। शकीला, रात को तो मैं टीवी 9 बजे बंद कर देती हूँ, उसके बाद देखती नहीं। अम्मा भी वो बराबर वाली इतनी ऊंची आवाज में टीवी सुनते हैं, उसका शोर होगा। सुनो बेटा, आज मुझे अस्पताल जाना है, तुम कब तक आओगे? अम्मा डॉक्टर 6 बजे बैठता है ना, तो मैं आपको शाम को ले चलूंगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। वैसे डॉक्टर प्राइवेट है ना? ए भैया, सरकारी अस्पताल में तो जो पीरों की तरह लाइन में लगना होता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और हाँ, मैं टैक्सी में जाऊंगी, बता रही हूँ। सिंची रिक्शा में तो बैठती हूँ ना, तो मेरी तो हड्डियाँ टूट जाती भाई। हाँ हाँ अम्मा, मैं आपको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाऊंगा और मैं आपको टैक्सी में लेकर जाऊंगा। लेकिन वो शख्स बिल्कुल अब्बा की तरह था। क्यों गई थी मैं कराची? सिर्फ नाकामियों का मुंह देखने? और अम्मी को क्या बताऊं कि आपकी सगी बहन ने आपको जीती जी मार दिया है? शायद ताया शौकत ठीक ही थे। मैं मुकद्दर से क्यों लड़ रही हूं? मुझे खलील जैसे छिछोरे को अपना शौहर मानकर चुपचाप जिंदगी से हार मान लेनी चाहिए।